सर यहाँ के नीचे स्टेटमेंट नीचे दे दीजिए। अच्छा क्या कहेंगे जिसको पटना साहिब की जनता ने मुझे लगभग 1,54,000 मतों के बड़े अंतर से विजयी बनाया है। पटना साहिब की जनता को बहुत प्रणाम, हृदय से उनके प्रति कृतज्ञता। ये मेरी दूसरी जीत है। मैं अपनी पार्टी के सारे नेता, विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और बिहार के अपने सभी नेताओं का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया। आज हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पुनः एनडीए की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। ऐतिहासिक क्षण है। पटना साहिब के सांसद के रूप में केंद्र सरकार और बिहार सरकार के विकास की योजना बिहार में आए और मेरे पटना साहिब में और विकास हो, ये मेरा प्रामाणिक संकल्प रहेगा। मैं पुनः सबों का बहुत अभिनंदन करता हूँ। देश में जो परिणाम उसको लेकर क्या कहना? देखिए, मुझे यही कहना है कि तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है, प्रामाणिक बहुमत है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो जनता का अभिनंदन। और बढ़िया से काम करेंगे, भारत को और आगे बढ़ाएंगे। बाकी थोड़ी बहुत जो कमी है उसकी समीक्षा की जाएगी, लेकिन अभी एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार बन रही है, ये बहुत संतोष और दुनिया के लिए एक प्रमाण की बात है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद पहली बार देश में तीसरी बार एक व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सर, विपक्षियों का कहना है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हम लोग बनने नहीं देंगे किसी भी हालत में, दो दिनों के अंदर हम लोग अब चुनाव हो गया, अब उनको अपनी हार को विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। और देश ने एक निर्णायक बहुमत, एक प्री पॉल अलायंस एनडीए को दिया है, इसको समझना चाहिए। नीतीश कुमार कहीं उस पाले में नहीं जाएंगे? धन्यवाद, कभी नहीं जाएंगे। सर छोटा सा टिकट? अरे नहीं भैया, सर यहाँ के नीचे स्टेटमेंट नीचे दे दीजिए। अच्छा नीचे।